नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और आप खबरें विस्तार से। जेसीआई ग्वालियर तेजस्वनी के द्वारा जागरूकता रैली एबनेजर हाई सेकेंडरी स्कूल से सहयोग से निकाली गई। लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी लोग मतदान के दिन बाहर आए और अपने मत का प्रयोग करें। मजबूत सरकार के लिए अत्यधिक मतदान होना भी जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जेसीआई ग्वालियर तेजस्वनी ने एक रैली का आयोजन एबनेजर हाई सेकेंडरी स्कूल से किया, जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में बीजी तेलंग इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा चुनाव मतदान करने हेतु शपथ दिलाई गई। गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में मंडल अध्यक्ष जेसी गुलनाज जावेद, स्कूल प्रिंसिपल मिस्टर प्रदीप शर्मा, राम अवतार, रश्मि जैन उपस्थित रहे। इस अवसर पर नीरू दीक्षित, नीतू गुप्ता जी आदि मेंबर उपस्थित रहे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने बुधवार को ग्वालियर के जेएच अस्पताल का निरीक्षण कर यहां जेएच प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की और जेएच कैंपस में बढ़ते प्रदूषण को कम करने को लेकर मंथन किया। यहां बता दें कि अभी कुछ दिनों पूर्व ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जेएच कैंपस को सबसे प्रदूषित स्थलों में शुमार किया था, जिसके बाद जेएच प्रशासन ने यहाँ अस्पताल परिसर में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए थे। ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से विजिट के लिए आए हैं, क्योंकि ये यहाँ से जो इंसिनरेटर है शिफ्ट हो रहा है। मेन पर्पज़ उनका ये था कि शिफ्टिंग प्रॉपर ढंग से की जा रही है या नहीं की जा रही है, यहाँ से ये यात्री शिफ्ट हो रहा है। और एक फॉर्मल विजिट इसकी जो नियमानुसार होती है वो भी इनने जे अस्पताल की है। और व्यवस्थाएँ आप सामने हैं, व्यवस्थाएँ पूरी संतोषजनक मिली हैं। ट्रेनिंग का पार्ट थोड़ा सा, हमारा जो आउटसोर्सिंग का स्टाफ है उसको ट्रेनिंग देनी है हमें कि किस तरह से जो हॉस्पिटल वेस्ट है उसको सेग्रीगेशन यानी अलग अलग किस तरह से किया जाए अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से, तो वो पार्ट ट्रेनिंग का है। आउटसोर्सिंग के लोग हैं, हम या तो एजेंसी से कराएंगे नहीं तो हम अपने स्तर पर उनको ट्रेनिंग देंगे और उनको इम्यूनाइजेशन भी कराया जाएगा हेपेटाइटिस बी का और टेटनस का। संत निरंकारी मंडल द्वारा बुधवार को ग्वालियर के जयेंद्रगंज पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मानव एकता दिवस पर आयोजित हुए इस रक्तदान शिविर में संस्था सदस्यों के साथ ही करीबन 2 सैकड़ा लोगों द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान किया गया, जो कि जेएच स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी को भेजा जाएगा, जिससे जरूरत पड़ने पर इस रक्त का उपयोग जरूरतमंदों के लिए हो सके। आज ये रक्तदान शिविर हो रहा है। गत 40 वर्षों से लगातार रक्तदान शिविर होता है और हम मानवता के लिए, एकता के लिए, समता संभाव के लिए ये रक्तदान करते हैं, निस्वार्थ रक्तदान करते हैं। तो इसकी संख्या भी हमारे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आज लगभग 200 से अधिक महात्मा बहनें रक्तदान करेंगे। तो ये रक्त मानव के नाड़ियों में बहे, नालियों में ना बहे, ये संदेश देते हैं, क्योंकि रक्त आजकल नालियों में बहुत बह रहा है लेकिन नाड़ियों में नहीं बहता। इसलिए इस मिशन ने सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की कृपा से, उन्होंने कहा कि मानवता की नाड़ियों में मनुष्य की, यदि मानव होगा तो समाज होगा, मानव होगा तो सृष्टि होगी, और मानव ही नहीं होगा तो सृष्टि का विनाश तो निश्चित है। इसलिए सृष्टि को बचाना है और सृष्टि की सबसे सुंदर कृति मानव है, इस मानव को बचाना है तो ऐसे योगदान में अब जरूर भाग लेना चाहिए और अपना रक्त देकर मानवता का कल्याण करना चाहिए। इसी हमारे जान पहचान वाले आज आते हैं, क्योंकि मित्रता है, कहीं पहचान है, कहीं किसी से संबंध है हमारे, तो वो हमारे न कहने पर भी वो आ जाते हैं और आकर स्वयं रक्त देते हैं। आज हमने सुना कि हमारे पत्रकार बंधु जो केवल पत्रकारिता के लिए आते हैं लेकिन उन्होंने ये भाव देखा तो आज उन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्वयं रक्त दिया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हम साधुवाद देते हैं कि आप जो सत्य का काम कर रहे हैं, सत्य का प्रचार कर रहे हैं और मानवता के कल्याण के लिए ही कर रहे हैं, तो ये प्रचार सार्थक सिद्ध हो, मनुष्य के अंदर जो दूसरी भावनाएँ आ रही हैं उन भावनाओं का विनाश हो और मानवता का कल्याण हो, इन्हीं भावों के साथ ये मिशन कार्य कर रहा है। धन्यवाद। भीषण गर्मी के इस दौर में जहां आसमान से आग बरस रही है और दिन में गर्म और धूल भरी हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं,
वहीं जेएच अस्पताल में इस भीषण गर्मी के बीच कई मरीज अस्पताल के बाहर पड़े टीन शेड में अपना दिन गुजारने पर मजबूर हो रहे हैं। डॉक्टरों द्वारा बिना पूरा इलाज किए इन्हें डिस्चार्ज तो कर दिया, लेकिन इनकी परेशानी समझने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। जेएच कैंपस में तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच टीन शेड में लेटा यह मरीज जेएच प्रशासन की लापरवाही के चलते इस समय अपने जीवन के सबसे कष्टदायी दौर से गुजर रहा है। दीपेंद्र नाम का यह युवक जालौन जिले के माधवगढ़ का रहने वाला है और विगत महीने में एक सड़क दुर्घटना के बाद उसे 19 मार्च को जेएच में भर्ती कराया गया था, जहां उसका एक पैर पूरी तरह कट चुका है और दूसरा पैर भी ठीक नहीं हुआ है। जेएच में डॉक्टरों ने 15 दिन तो उसे बेड पर रखा, लेकिन उसके बाद 7 दिन बाद वापस आने का बोलकर डिस्चार्ज कर दिया गया। मरीज और उनके परिजनों का कहना है कि अभी चूंकि घाव पूरी तरह भरे नहीं है और एक पैर भी कट गया है, ऐसे में वो यहां से जालौन जाकर लौटने में असमर्थ हैं और मजबूरन उसे यहां टीन शेड में अपना समय बिताना पड़ रहा है। ये दीपेंद्र कुमार इसका नाम है, ये माधोगढ़ जालौन से आया है। इसका बाइक और डम्फर से एक्सीडेंट हुआ, ये 1 तारीख को हुआ था फरवरी में। मैं इसके यहाँ इसके बाद यहाँ रेफर हुआ 18 तारीख को मार्च में। 19 मार्च को मैंने यहाँ इसको एडमिट करा दिया। 19 मार्च के बाद 15 दिन बाद इसको फिर इन्हें यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया। अब उसके दोनों पैरों में जख्म जैसे के तैसे हैं, जिनसे अभी पसा आ रही है। 7 दिन बाद दिखाने के लिए फिर बोला है, तो इतनी दूरी पर ले आने में भी काफ़ी तकलीफ़ है, पैसे का भी अभाव है, तो इसलिए इस भीषण गर्मी में यहाँ इसे लेट आए हैं। चाहते ये हैं कि इसका सही से इलाज हो जाए, वो लेटवे को जगह मिल जाए तो अति उत्तम है, ना मिल जाए तो हम यहाँ भी लेटा सकते, लेकिन इसका ट्रीटमेंट जरूर हो जाए। एक दीपेंद्र ही नहीं बल्कि कई ऐसे मरीज हैं जिन्हें जेएच प्रशासन द्वारा बिना पूरा इलाज किए बगैर डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन उनकी हालत अभी ऐसी नहीं है कि वे घर जाकर लौटकर आ सकें, सो मजबूरन होकर उन्हें गर्मी के बीच ही अपना समय व्यतीत करना पड़ रहा है। जेएच प्रशासन का कहना है कि जल्द ही इसके लिए किसी एनजीओ संस्था की मदद से मरीजों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। हम इस संबंध में बहुत जल्दी कार्य व्यवस्था करने वाले हैं। कुछ हमारी एनजीओ से बात चल रही है, समाज सेवियों से बात चल रही है, और बहुत जल्दी कोई एक सकारात्मक व्यवस्था करेंगे जिससे जो अटेंडेंट्स हैं उनको लाभ मिल सके। गर्मी काफ़ी है तो गर्मी में हम व्यवस्था करने वाले हैं उनकी। जया रोग चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, गर्मी के मौसम को देखते हुए मरीजों तथा उनके परिजनों को पीने के पानी की समुचित व्यवस्था के साथ ही कूलर पंखे भी व्यवस्थित हों, यह सुनिश्चित किया जाए। संभागीय आयुक्त महेश चंद्र चौधरी ने मंगलवार को जया रोग चिकित्सालय का निरीक्षण तथा विभागीय अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं को लेकर ली गई बैठक में उक्त निर्देश दिए। बैठक में संभाग आयुक्त महेश चंद्र चौधरी ने कहा है कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही व्यवस्थाओं को भी चुस्त दुरुस्त बनाया जाए। उन्होंने अस्पताल में साफ सफाई व्यवस्था के संबंध में चिकित्सकों को निर्देशित किया है कि सफाई व्यवस्था जिस एजेंसी को दी गई है उसके सभी सफाई कर्मियों की परेड कर सत्यापन किया जाए। सफाई व्यवस्था को और अधिक बेहतर करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि सभी चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ का ड्यूटी चार्ट सभी वार्डों में उपलब्ध रहे, यह सुनिश्चित किया जाए। सभी वार्डों में पीने के पानी के लिए वाटर कूलर स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए। आज देखिए हॉस्पिटल का कैजुअल विजिट किया है और अधीक्षक और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ भी बातचीत की है, पेशेंट के साथ भी बातचीत की है। दो टर्म में हम लोग दो लेवल में काम करने वाले हैं। एक तो शॉर्ट टर्म का काम होगा जो कि अभी एकदम टेम्परेचर सूटअप होगा और मरीजों को ठंडा पानी मिले और यहाँ परेशानी ना हो, कूलिंग भी ठीक मिले, तो इसके लिए जो कूलर हैं उनको ठीक कराया जाएगा, एसी हैं उनको चालू कराया जाएगा, जो डिसऑर्डर में हैं उनको ठीक करा दिया जाएगा। शेष लॉन्ग टर्म वाली जो चीज़ें हैं जिसमें कि 1000 बिस्तर का हॉस्पिटल है, पेरिफेरियल एरिया है, हॉस्पिटल में चूहे भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इनको ठीक से निकालने के लिए चूहों को पकड़ करके बाहर किया जाए और चूहा मुक्त कर दिया जाए हॉस्पिटल, तो इस तरह का एक्शन है। और वीकली रिव्यू करेंगे, ये निश्चित किया है कि वीकली रिव्यू करेंगे, मिनट्स भी बनेंगे,
और उसकी कंप्लायंस भी होगी, और जो अच्छा काम करेंगे उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा और जो लापरवाही करेंगे उनको दंड की प्रक्रिया भी आज निश्चित की है कि पनिशमेंट भी मिलेगा, दोनों चीज़ें चलेंगी। बिल्कुल उसको प्राथमिकता दी है और इसलिए मैंने आज समय दिया है और कैजुअल विजिट किया है और उसको तेज़ी के साथ में हम ठीक कराएंगे। कार्रवाई के लिए बिल्कुल टर्मिनेशन की, जो एब्सकॉन्डिंग है बगैर सूचना के बाहर हैं उनको टर्मिनेशन किया जाएगा, और जो बगैर सूचना के बाहर जा रहे हैं उन लापरवाही है तो उनको इंक्रीमेंट रोके जाएंगे और वो पनिशमेंट की कार्रवाइयाँ की जाएंगी। एब्सेंट हैं, अनऑथराइज एब्सेंट, अनाधिकृत रूप से जो अनुपस्थित हैं वो, ऐसे डॉक्टर्स पर कार्रवाई के लिए निर्देश मिले हैं। तो एक डॉक्टर अभी जेएस से उपस्थित हैं, उनके खिलाफ प्रस्ताव भेजा जा रहा है और उनको बर्खास्त करने की कार्रवाई की। बाकी यहाँ पर सारी व्यवस्थाएँ संतोषजनक रही हैं, कूलर चालू हैं, एसी अधिकांश चालू हैं, एक कूलर आवाज़ कर रहा था उसको ठीक करने के लिए निर्देशित किया गया है। नहीं, ऐसी कोई मेजर कोई कमी नहीं है, व्यवस्थाएं संतोषजनक हैं, सफाई भी आज तो काफ़ी अच्छी मिली है। हाँ, पार्क बनाया जाएगा वहाँ पे, पहले पार्क था जो बाद में ख़त्म हो गया है अभी, तो उसमें रेलिंग लगाकर पार्क बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं हम लोग, उसके लिए PWD को निर्देशित कर दिया है और बहुत जल्दी एक सुंदर पार्क हम डेवलप करेंगे। संभाग आयुक्त ने अस्पताल पहुंचकर विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया तथा उपचार करा रहे मरीजों तथा उनके परिजनों से व्यवस्थाओं के संबंध में पूछताछ की। उन्होंने कहा कि अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों एवं उनके परिवारजनों को शुद्ध एवं ठंडा पेयजल उपलब्ध हो, इसके लिए पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बहुजन समाज पार्टी के घोषित प्रत्याशी बलवीर सिंह कुशवाहा को जेल से चुनाव लड़ाने की अनुमति नहीं मिली है। बसपा के वरिष्ठ नेता इसके लिए तैयार नहीं थे क्योंकि ऐसे में वोटों का नुकसान होने की आशंका थी, इसलिए अब पार्टी ने प्रत्याशी बलवीर सिंह कुशवाहा की पत्नी ममता कुशवाहा को मैदान में उतारा है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की मौजूदगी में मंगलवार को समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया गया। बसपा ने लोकसभा चुनाव के लिए बलवीर सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी घोषित किया था। इसी बीच बसपा प्रत्याशी को धारा 307 के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और वर्तमान में वह जेल में है। पार्टी के स्थानीय नेता चाहते थे कि बलवीर सिंह को जेल से ही चुनाव लड़ाया जाए, जिसके लिए नामांकन फार्म सहित अन्य कागजी कार्रवाई पूरी कर ली गई थी। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से अनुमति नहीं दी गई और प्रत्याशी की पत्नी ममता कुशवाहा के नाम से भी बी फार्म जारी कर दिया गया। मंगलवार को ममता कुशवाहा ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामजी गौतम व भिंड के पूर्व सांसद रामलखन सिंह कुशवाहा, जिला अध्यक्ष दिनेश मौर्य के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन पर्चा दाखिल किया। पार्टी सूत्रों की माने तो वरिष्ठ नेताओं का मानना था कि यदि बलवीर सिंह जेल से चुनाव लड़ते हैं तो जनता के बीच गलत मैसेज जाएगा, जिससे पार्टी को नुकसान होने की आशंका है। इसकी जगह यदि पत्नी को मैदान में उतारा जाता है तो अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ ही महिला होने का भी लाभ उन्हें मिलेगा। किया था, अगर वो क्या है, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी बिल्कुल पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है। हमारे हस्बैंड को जैसे ही टिकट का ऐलान कर दिया गया तो उनको गिरफ्तार भी करवा दिया गया, वरना ऐसी कोई बात नहीं थी। इस केस को 2 साल हो गए, 2 साल से कुछ क्यों नहीं किया उन्होंने, इस समय भी आना जाना बाजार में तो उनका लगा ही रहता, काम ही उनका प्रॉपर्टी डिलीवरी का है, तब क्यों नहीं पकड़ा गया, टिकट ऑफर होते ही क्यों उनको दबोच लिया गया और हम केस भी लगा दिए झूठे झूठे, ये तो गलत बात है ना। बीजेपी को ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। मैंने अपना फॉर्म भराया और उनको सिम कार्ड, दोनों पार्टी हमारे घर पे भी उससे पहले उन्होंने आए गए जाते रहते थे तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं अपने उससे जुड़ा हूँ, मैं नहीं अलग हो सकता। तो उन्होंने कहा ऐसे मौका, उनको टिकट मिल चुका है तो अब ये फ़ायदा ले लो। बहुजन समाज से हमको जनता साथ देगी और हम जनता के साथ हमेशा रहते हैं, यही नहीं है हमारा, जब बच्चे भी हम लोग भी कोई बुलाता है हम लोग पहुँचते हैं, जनता का हम जब साथ देते तो जनता हमारा क्यों नहीं देगी है, जनता को तो अच्छा वो चाहिए अपने यहाँ का, फिर जरूर है आप लोगों का सबका साथ है और जनता का भी साथ है तो क्यों नहीं जीतेंगे हम। ये इससे पहले इनके पति जी का फॉर्म टिकट दिया गया था पति, लेकिन कोई पुराना केस था पता नहीं, इनको जानकारी भी नहीं थी, लगभग समाप्त ही था जी। उसको लेके अचानक जैसे ही इनको टिकट दिया गया उनको गिरफ्तार कर लिया गया जी। तो ये मजबूरी थी कि इनको फिर चुनाव लड़ाना, अब चुनाव लड़ रहे हैं और ममता जी हैं उनकी पत्नी हैं और अन्याय सबके सामने जाएगा कि किस तरह से ये बीजेपी और कांग्रेस सरकारें करती हैं, किस तरह से दबाव बनाती। नहीं, ये तो पार्टी का मामला है, चुनाव लड़ रहे हैं, प्रचार करेंगे, चुनाव जीतेंगे।
ग्वालियर के पड़ाव थाना इलाके के रेलवे ओवरब्रिज पर देर शाम एक ऑटो और कार अनियंत्रित होकर आपस में भिड़ते भिड़ते रह गए, जिसमें डिवाइडर पर गाड़ी चढ़ जाने के कारण कार क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल इलाके के पुलिस बल मौके पर पहुंच गई और कोई विवाद की स्थिति बने इससे पहले ही ऑटो चालक और कार चालक को यहां से रवाना कराया। मैं चौराहे पे ड्यूटी कर रहा था, पड़ाव चौराहे पे, एक ऑटो वाले ने बताया वहाँ एक्सीडेंट हो गया है, तो यहाँ आके देखा तो डिवाइडर पे जो टकरा गया था, तो उसका कार वाले का ये कहना है कि मैं आगे से गाड़ी सामने से एकदम आ गई, सो मैंने काटा तो सो उसमें टकरा गई, ये कह रहा है, उसको बचाने के चक्कर में डिवाइडर से टकरा गई, नहीं जनानी कुछ नहीं है। ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत शांति निकेतन आश्रम में बने बालिका संरक्षण गृह में रहने वाली मंदबुद्धि लड़की के साथ कई साल तक शारीरिक शोषण करने का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। पीड़िता को बीते कुछ महीने पहले ही बालिका संरक्षण गृह से माधव बाल निकेतन लक्ष्मीगंज में शिफ्ट किया गया था और जब वहाँ उसकी काउंसलिंग की गई तो उसने घटना का खुलासा किया। आश्रम के वृद्ध आश्रम में रहने वाला विमल चंद्र पर दुष्कर्म का आरोप लगा है, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शांति निकेतन आश्रम में हुई यह घटना, घटना के बाहर वहां रहने वाली एक अन्य लड़कियों को भी महिला एवं बाल विकास की सहायता से काउंसलिंग कराई जा रही है। पुलिस पूछताछ में जो जानकारी सामने निकल कर आई है उसके अनुसार आश्रम की पहली मंजिल पर लड़कियों को रखा जाता है, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर वृद्ध आश्रम बना हुआ है। उसमें रहने वाले विमल चंद्र जैन ने उसका कई साल तक शोषण किया। विमल मौका पाकर अक्सर पहली मंजिल पर आ जाता और अश्लील हरकतें करता रहा। उसकी इस हरकत पर किसी की नजर इसलिए भी नहीं गई क्योंकि वह 10 साल से वृद्ध आश्रम में रह रहा था और आश्रम के संचालक का काफी भरोसेमंद माना जाता था। दूसरे बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी भी आरोपी विमल जैन पर थी, इसलिए कभी उस पर किसी की निगाह नहीं गई और वह एक मंदबुद्धि नाबालिग बच्ची के साथ लंबे समय तक शोषण करता रहा। ये बाल संरक्षण अधिकारी ज्योति गर्ग द्वारा एक लिखित रिपोर्ट पर FIR दर्ज कराई गई है, जिसमें कि उसके शोषण संबंधी कुछ तथ्य लिखे गए थे, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया और अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। आरोप है शोषण संबंधी आरोप है, जो कि शांति निकेतन हजीरा क्षेत्र में आश्रम था, उसमें एक विमल बाबा है, उस पर कथाकथित आरोप लगाए गए जिसकी FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, साक्ष्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर जिले के बिजौली थाना क्षेत्र में 2 साल पहले एक दलित नाबालिग स्कूली छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पास्को एक्ट और बलात्कार के मामले में कोर्ट ने दोहरा आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया। आरोपी पर 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दरअसल जिले के बिजौली थाना क्षेत्र में रहने वाली 15 साल की नाबालिग लड़की 10 अप्रैल 2017 को परीक्षा देने मुरार स्थित कन्या विद्यालय आई थी। शाम को जब लड़की घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसे ढूंढने की कोशिश की। लड़की की सहेली ने बताया कि उसे भिंड के पवई इलाके में रहने वाले राहुल लोधी के साथ देखा गया है। इस पर पुलिस ने घर वालों की शिकायत पर राहुल लोधी के खिलाफ अपहरण और पास्को एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। 2 महीने बाद लड़की को राहुल के कब्जे से मुक्त कराया था। राहुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। राहुल लोधी ने इस स्कूल की छात्रा को एक मोबाइल फोन भी खरीद कर दिया था, जिससे वह लड़की के संपर्क में रहता था। लड़की की सहेली के बयान के आधार पर पुलिस ने राहुल को आरोपी बनाया था। लड़की की बरामदगी के बाद पुलिस ने बारात की धारा का इजाफा किया था। विशेष न्यायालय पास्को ने आरोपी राहुल लोधी के खिलाफ सबूतों को पुख्ता पाया। न्यायालय ने टिप्पणी की कि हत्यारा तू सिर्फ शरीर की संरचना को नष्ट करता है, लेकिन बलात्कार जैसी घटना स्त्री की प्रतिष्ठा को खत्म करती है, इसलिए आरोपी दया का पात्र नहीं है। हालांकि आरोपी की ओर से कोर्ट में परिवार का इकलौता कमाने वाला राहुल को बताकर सजा में कमी करने की बात की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये थाना बिजौली का मामला है, इसमें 15 वर्ष की एक लड़की मुरार में अपने एग्ज़ाम देने के लिए आई हुई थी, वो स्कूल नहीं पहुंची थी। स्कूल पहुंचने के बाद उसकी मैडम ने फादर को टेलीफोन करके बुलाया, उन्हें तहकीकात की माल मिली नहीं। उसके बाद मालूम पड़ा कि राहुल लेदी नामक लड़का उसको लेके गया,
तो उसमें से थाना बिजोली द्वारा 376 पास्को एक्ट 363 366 में चालान पेश किया गया और पास्को एक्ट 366 और 376 में उसको दोहरे आजीवन कारा सजा दी गई। दोहरा आजीवन 376 में भी आजीवन है पास्को और 366 में भी आजीवन कारा। तो ये आरोपी कहाँ है फिलहाल? जेल में है। जेल में है, शुरू से ही जेल में है, बाहर नहीं आया। तो कोई अर्धन वगैरह भी कितना लगा? अर्धन 5,000 रुपये दिए हैं, 5,000 रुपये 10,000 रुपये वाले। और कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है कि इस तरह के अपराध जो हैं महिला के गोपनीयता और समय इसके विरुद्ध हैं और इस पर उसके सम्मान पर प्रहार है, इस तरह की टिप्पणी करते हुए इस तरह के आजीवन का कारा उसका सजा। दया वगैरह नहीं दी? नहीं, दया आजीवन का दया की कोई गुंजाइश नहीं, मैक्सिमम सजा उसने दी। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी साड़ा के पूर्व अध्यक्ष एवं भाजपा नेता जय सिंह कुशवाहा सहित 4 पूर्व सीओ इंजीनियर ठेकेदार और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधी कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मामला चलाने के निर्देश दिए हैं। इन सभी के खिलाफ 2013 में मोती झील से लेकर तिगरा बांध तक हुए सड़क निर्माण में 58 लाख रुपए से अधिक भुगतान को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता राकेश सिंह कुशवाहा ने शिकायत की थी। यहाँ बता दें कि लोकायुक्त पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी, लेकिन लोकायुक्त पुलिस ने पूर्व साड़ा अध्यक्ष जय सिंह कुशवाहा, पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी आदित्य सिंह तोमर सहित 6 अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी थी। बाकी 7 लोगों के खिलाफ चालान पेश करने की लिए लोकायुक्त पुलिस ने विशेष कोर्ट में आवेदन दिया था। पता चला है कि जब भ्रष्टाचार निरोधी कोर्ट ने मामले की पड़ताल की तो सभी आरोपियों के खिलाफ संज्ञान ले लिया। इनमें भाजपा नेता और पूर्व साड़ा अध्यक्ष जय सिंह कुशवाहा सहित 13 आरोपी शामिल हैं। पता चला है कि सड़क निर्माण के लिए 6.28 करोड़ का अनुबंध हुआ था, लेकिन ठेकेदार बुद्ध सिंह जादौन को 58 लाख रुपये अधिक का भुगतान किया गया। इसके लिए पर्याप्त कारण नहीं बताए गए। शिकायत में कहा गया था कि आपसी बंदरबांट करने के लिए ये अधिक भुगतान किया गया था। विशेष कोर्ट ने पूर्व साड़ा अध्यक्ष जय सिंह कुशवाहा और पूर्व सीईओ को 5,000 के जमानती वारंट से 10 मई को पेश होने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि साड़ा क्षेत्र में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी वहां आवासीय क्षेत्र विकसित नहीं हो सका है, जबकि 500 करोड़ से ज़्यादा के काम यहां कराए जा चुके हैं। एक आरोपी की पहले ही मौत हो चुकी है। साड़ा का मामला एक पब्लिकली ऑफेंस है और एंटी करप्शन से संबंधित ऑफेंस है, जिसमें कि साड़ा के पूर्व अध्यक्ष और साड़ा के पूर्व 4 सीओ एवं तत्कालीन कार्यपालन यंत्री और उनके सहायक यंत्री, सब इंजीनियर्स और ठेकेदार, इन सब के द्वारा मिलजुल कर जो एक लेयर का काम था रोड के बनाने के लिए, उसको 4 लेयर में डिवाइड करके लगभग 56 लाख रुपए की शासन को क्षतिकारित की, जिससे कि ठेकेदार और सारे शासकीय कर्मचारी अधिकारी मिलकर उस पैसे का दुरुपयोग कर सकें और शासन को क्षतिकारित हुई और उनको भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत FIR दर्ज हुई लोकायुक्त के द्वारा। उसके पश्चात अनुसंधान किया गया और अनुसंधान में मात्र 7 लोगों के खिलाफ साक्ष्य होने पर अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय ग्वालियर में प्रस्तुत किया गया। माननीय विशेष न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र में उपस्थित साक्ष्य के आधार पर शेष निकाले गए लोगों के विरुद्ध भी संज्ञान लिया गया है और उनके खिलाफ विधिवत अभियोग स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है। और अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।